हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज है महाशिवरात्रि और आज के दिन हमारे लास्ट ईयर आज के दिन मंदिर की स्थापना हुई थी यही वाली। और देखिए आप यहाँ पर दुर्गे माता को, और यहाँ पर हमने ये फूल वूल इनको सब सजा दिया। ये हमारे हनुमान जी, जय बजरंगबली, और ये हमारी त्रिमूर्ति देवी जी, और ये हमारी संतोषी मैया, ये हमारे गणेश जी। अभी अभी पंडित जी आए थे थोड़ी देर पहले और हवन हुआ था उधर, आप देख सकते हो यहाँ पर हवन हुआ था। तो अभी ये हवन पूरा कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही बढ़िया तरीके से किया गया सब कुछ। यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं, और यहाँ पर ये दीपक जलती हुई है। फूलों की बात की जाए तो मैंने कहीं से फूल जो है यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। पहले सबने फूल एक एक डाले थे तो वो कुछ खाली खाली सा लग रहा था, तो फिर मैंने क्या किया, फूल बहुत सारे कल रात में मंगा लिए थे तो ये इनको खोल खोल करके, तो मैंने ये वाले फूल जो है सारे फूल जैसे थे डाल दिए। तो अब ये थोड़ा सा भरा भरा सा लग रहा है। और महाशिवरात्रि है और हम भोलेनाथ जी को अर्पण नहीं करेंगे कुछ भी चीज़, तो कैसे काम चलेगा। और हमारे ये प्यारे से दुलारे से नंदी भगवान, और जय हो नंदी महाराज की। और यहाँ पर देखिए प्रसाद चढ़ाया गया है, लेकिन बोला हम प्रसाद खा नहीं सकते क्योंकि भोलेनाथ जी के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद वो इंसान नहीं खा सकते, गाय को दे सकते हो और हम लोग नहीं खा सकते हैं। और यहाँ पर ये देखिए बहुत सी चीज़ें चढ़ी हुई हैं जो कि नंदी जी को, और पहले तो मैं इसको सही से रख देता हूँ, भोले जी को बहुत ही प्यारा प्यारा लगता है ये। और यहाँ पर ये देखिए इस पर ये रखी हुई मिठाई, और भोले जी का यह प्यारा सा ये, इसमें बहुत सी चीज़ें पड़ी होंगी, ये किसी ने कोई भक्त आया होगा उसने चढ़ाया ये। और इसमें यहाँ पर ये बेल पत्र बहुत ही प्यारे तरीके से लगाया हुआ है यहाँ पर, और दही डाला था इसमें, सब कुछ डाला था, धतूरा है, हर चीज़ है इसमें बढ़िया तरीके से सब कुछ। यहाँ पे ये देखो धतूरा भी है और अच्छी तरह से बेल भी है, बेल पत्र भी है और बेर भी है, और धतूरे का फूल भी है। ये देखो धतूरे का फूल भी यहाँ पर चढ़ाया गया है, मतलब कि भोलेनाथ जी के ऊपर, और ये उनकी सबसे प्रिय चीज़ ये देख रहे हो, इसके बिना तो कुछ चढ़ते नहीं है भांग। तो यहाँ पर ये चीज़ें जो है भांग चढ़ाया गया है, और भी चीज़ें थी इसमें, मैंने देखा था हल्दी तो नहीं थी, नंदी जी को मतलब किसी ने कुछ ज़्यादा चढ़ाया ही नहीं है, तो मैं यहीं से उठा करके ये वाली चीज़ें जो हैं मैं नंदी जी को चढ़ा देता हूँ ताकि उनको भी ये ना लगे। देखो नंदी जी के ऊपर जब भी हम बेलपत्र चढ़ाते हैं तो हमेशा ऐसे करके चढ़ाते हैं, और भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाते हैं तो हमेशा हम उल्टा करके चढ़ाते हैं, क्योंकि नंदी जी के ऊपर भोलेनाथ बैठते हैं तो उनको यहाँ पर उल्टा करके चढ़ाएंगे तो खुरदुरा लगेगा बैठने पे, तो इसलिए उनके ऊपर नंदी जी के ऊपर अगर हम ऐसे करके चढ़ाएंगे तो ये ऊपर ये जो चिकना होता है, तो नंदी जी के ऊपर जब चढ़ाने के बाद शिव जी जब उनके ऊपर बैठेंगे तो उनका जो आसन होगा तो आराम वाला होगा, मखमल जैसा फील होगा उनको। और भोलेनाथ जी को जब भी हम बेलपत्र चढ़ाते हैं तो हमेशा हम ये चिकना वाला भाग चढ़ाते हैं, ऐसे करके उनको बहुत प्रिय होता है, खुरदुरा ना चढ़ा, मतलब खुरदुरा नहीं लगना चाहिए भोलेनाथ जी को, तो ऐसे करके चढ़ा दिया। और ये हमेशा तीन के ही रूप में चढ़ाया जाता है, और ये पूरा ऐसे करके, ना ही बिल्कुल कोई टूटा होना चाहिए ना ही कुछ होना चाहिए, तो ये तीन के रूप में ही चढ़ाया जाता है, तो ऐसे करके चढ़ा दीजिए। भोलेनाथ जी के ऊपर ये धतूरा उनको प्यारा है, बहुत बढ़िया है, तो धतूरा भी आप चढ़ा सकते हो, और बहुत सी चीज़ें हैं। और धतूरे के पुष्प हैं ये वाला, ये बहुत ही मेहनत से मिले थे, बहुत ही ज़्यादा दूर जाने के बाद 2-3 किलोमीटर दूर गए थे तब जाकर के ये चीज़ मिली थी। ये वाले भगवान भैरवनाथ जी जो कि रक्षा कर रहे हैं, यहाँ पे भी मैंने फूल चढ़ा दिया है, उनकी भी पूजा हो गई, इनकी पूजा नहीं करोगे तो अधूरी मानी जाती है। हमारा ये हवन है, मैंने इनके ऊपर भी फूल चढ़ा दिए हैं, और अभी भी देखो आग है इसके अंदर, लकड़ियाँ सारी जल चुकी हैं। सो हमारी ये है आज की शिवरात्रि की छोटी सी पूजा, सोमवार को व्रत भी रखेंगे। और गाइस किस किस ने आज महाशिवरात्रि मनाई है, आज तो मेरा फास्ट है तो नहीं खा सकता हूँ कुछ भी, कल हो सकता है कि ऐसा ही भांग पीऊँ, लेकिन नहीं, और सोमवार को हम लोग व्रत रखेंगे। अब
तो गाइस किस किसने ऐसी है शिवरात्रि मनाई है प्लीज़ मेरे को बताइएगा कमेंट में। और हर हर महादेव और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना ना भूलेगा। चलिए गाइस मिलते हैं हम एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ गाइस लाइक कर लीजिएगा, बोलो जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।